नमस्कार दोस्तों, हमारे खट्टी मीठी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सादा सिंपल आलू का पराठा। हाँ दोस्तों, सादा आलू का पराठा। ये भी पराठा खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है जितना मसाला वाला आलू का पराठा होता है। चलिए देखते हैं सादा आलू का पराठा बनाने के लिए मुझे कौन कौन सामग्री का जरूरत पड़ेगा। आप यहाँ देख सकती हैं चार उबले हुए आलू है। मैं इसको अच्छे तरीके से स्मैश करके रख ली हूँ। नमक स्वाद के अनुसार, एक इंच का टुकड़ा अदरक है, मैं इसको कद्दूकस कर ली हूँ, आप चाहे तो बारीक काट सकती हैं। धनिया पत्ता एक प्लेट बारीक कटा हुआ, यहाँ पे 5-6 हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ। ये है सरसों तेल, मैं सरसों तेल से बनाऊंगी, आप चाहे तो रिफाइंड तेल या घी से भी बना सकती हैं। एक कप पानी है, ये मेरा 400 ग्राम आटा है, मैं इसको गूंद करके तैयार कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं हम घर में डेली, उसी तरीके से मुझे इसको गूंथना है। देख सकते हैं आटा गुथा के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें रिफाइंड तेल लगा करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। आप देख सकती हैं तेल लगा करके एक डो तैयार हो गया है मेरा। अब मैं इसको 10 मिनट सेट होने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी। जब तक मेरा आटा सेट होता है तब तक मैं आलू में सारा सामग्री मिला करके तैयार कर लेती हूँ। नमक स्वाद के अनुसार, अदरक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करूंगी, तब अच्छा मिक्स होगा। आप देख सकती हैं इसमें अदरक, नमक, धनिया पत्ता, हरा मिर्च अच्छे से मिक्स हो गया है। 10 मिनट हो गया है, मेरा आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब मैं पराठा बनाऊंगी। गैस पे मेरा तवा गर्म हो गया है, मैं तवे पे बनाऊंगी। इस तरीके से मुझे लेना है आटा, आप अपने क्वांटिटी में बना सकती हैं बड़ा छोटा। बॉल से बनाना है, देखिए ऐसे, और उंगली से ऐसे दबा करके चिपटा कर लेना है, और इसमें आटा लगा लेना है कि मेरे हाथ में चिपके ना। और इस तरीके से दोनों अंगूठे से मुझे गहरा करना है। देखिए अब मैं इसमें मिश्रण भरूंगी। इतना इसमें भरना है कि बेलते समय ये फूटे ना, और उंगली से इसे दबाते हुए मैं इसको बंद करूंगी। चकले पर रख के दबा दूंगी इसको, फिर वापस मैं इसमें आटा लगा लूंगी और हाथ से थोड़ा इसको बड़ा कर लूंगी ऐसे, और हल्के हल्के बेलन से मैं इसको बेलूंगी। देखिए इस तरीके से तवा मेरा गर्म है, अब मैं तवे पे डालूंगी वापस। फिर जब तक ये पक रहा है तब तक मैं दूसरा बना लेती हूँ। अब मैं चेक कर लेती हूँ मेरा पराठा सिका कि नहीं। इस साइड देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको इस साइड पलट दी हूँ। अब मैं इसमें तेल लगाऊंगी, मैं यहाँ सरसों के तेल लगा रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड तेल से भी बना सकती हैं। अब दूसरे साइड का मैं सिझने देती हूँ इसको। देखिए इस साइड का भी ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें तेल लगा देती हूँ। देखिए दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब
चम्मच से दबाते हुए मैं इसको पका लूंगी अच्छे से। मैं इसको सिझा लेती हूँ। बहुत अच्छे आलू के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए अब मैं दूसरा तवा पे डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी का बचा हुआ भी बना के तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आलू का पराठा सादा सिंपल बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में उतने ही स्वादिष्ट होगा। आप चाहें तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप झटपट ऐसे उबले हुए आलू अगर आपके पास है तो आप झटपट बना करके अपने बच्चे के लंच बॉक्स में आप दे सकती हैं। नाश्ता वगैरह में आप इसको खा सकती हैं, डिनर में भी आप इसको खा सकती हैं। आप चाहें तो चटनी और मीठी चटनी, तीखी चटनी, चाहे सब्जी वगैरह के साथ, चाहे इसी तरीके से आप इसको सर्व कर सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं इसी तरीके से एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।